नमस्कार, इससे आप अच्छे अच्छे लोगों को अपने वश में कर सकते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा वशीकरण मंत्र है। आपके सामने चाहे कोई भी हो तो वो क्या है ये देखिए आप। जब गलती हो जाए ना आपसे तो एक बात जरूर ध्यान रखना, जब आपसे गलती हो ना तो क्षमा मांग लेना, माफी मांग लेना। बहुत से लोग क्या करते हैं, गलती हो जाती है खुद से लेकिन दोस्त किसको देखते हैं, दूसरों को देते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं, तीसरे आदमी को दोष देते हैं कि उसकी वजह से यार ये हो गया है, मैंने तो खूब मेहनत की थी यार, मैंने तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था, मैंने अपनी तरफ से तो पूरी स्मार्टनेस अपने काम में लगाई थी, लेकिन क्या करूं सिचुएशन ऐसी बन गई थी। बहाने बनाना बंद कर देना। कोई भी गलती हुई आपको काम करने के दौरान तो सामने वाले से बहाना मत बनाना, सामने वालों को कहना स्पष्ट, सॉरी मेरे से गलती हो गई, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। अगर किसी व्यक्ति से आप क्षमा मांगते हो, माफी मांगते हो ना, तो डेफिनेटली वे व्यक्ति आपको माफ कर देगा। अगर आपसे गलती हुई और आप उसे बहाने बनाओगे और आप उसको दोष देंगे तो वह व्यक्ति आपको कभी माफ नहीं करेगा। आप दोनों के बीच में और लड़ाई हो सकती है। वह व्यक्ति कहेगा कि यार उल्टी तो और उसने गलती की और बहाने बना रहा है, तीसरे व्यक्ति को दोष दे रहा है, परिस्थितियों को दोष दे रहा है। तो गलती हो जाए तो क्षमा मांग लेना और थोड़ा रुक जाना, थोड़ा झुक जाना। देते हैं ना, जब आपकी कोई गलती नहीं हो तो डेफिनेटली बिल्कुल मत झुकना, लेकिन जब आपसे गलती हो तो थोड़ा रुक जाना, थोड़ा झुक जाना, क्षमा मांग लेना, माफी मांग लेना कि सर मुझसे गलती हो गई। हर इंसान से गलती होती है। क्या आप अकेले हो इस दुनिया में गलती करने वाले? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि इंसान जब तक जिंदा है तब तक गलतियां करता रहता है। इंसान गलतियों का पुतला है। कोई भी इंसान अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूँ और मैं कभी गलती नहीं कर सकता। गलती आपसे हो सकती है। आपने रामायण देखी होगी। रामायण में एक प्रसंग आता है, भगवान श्री राम धनुष को तोड़ते हैं जब सीता जी से शादी करने चाहते हैं उस वक्त। तो जब धनुष तोड़ देते हैं ना तो भगवान परशुराम भगवान राम के ऊपर खूब क्रोध करते हैं। तो भगवान राम क्या करते हैं, भगवान परशुराम से क्षमा मांग लेते हैं। तो भगवान परशुराम का भी क्रोध शांत हो जाता है। भगवान राम को पता है कि अगर भगवान परशुराम क्रोध करे और मैं भी क्रोध करूंगा तो उसका क्या होगा, सृष्टि का विनाश होगा। तो भगवान राम स्वयं सिखाते हैं कि जब सामने कोई भी क्रोध कर रहा हो, जब आपसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा मांग लेना, सामने वाला व्यक्ति आपको माफ कर देगा और थोड़ा उसके सामने झुक जाना। तो जब आपसे गलती हो ना तो थोड़ा रुक जाना और थोड़ा झुक जाना, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और एक बात और ध्यान रखना, आपसे गलती हुई तो आपने क्षमा मांग ली, आपने माफी मांग ली, लेकिन ध्यान रखना कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हो और सामने वाले से गलती हो गई, फिर आप तो माफी मांग लेते हो, दूसरे आपको माफ भी करते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि आपके काम के दौरान किसी दूसरे से गलती होगी और उसने अगर आपको उससे क्षमा मांगी तो उसको भी माफ कर देना, क्योंकि गलती तो हर इंसान से होती है। अगर आप उसे माफ कर दोगे ना और उसने फील किया कि सर मुझसे गलती होगी मुझे माफ कर दो, तो आप अवश्य उसे माफ करना। अगर आपने उसको माफ नहीं किया ना तो आपके मन में भी दुख पैदा होता रहेगा और सामने वाले व्यक्ति के मन में भी दुख पैदा होता है। तो लोगों को वश में करना है, लोगों को वशीकरण में करना है तो ये दो बातें जरूर आप ध्यान रखना। खुद से गलती हो जाए ना तो थोड़ा रुक जाना और माफी मांग लेना, और अगर सामने वाले से गलती हो जाए और अगर वो माफी मांगे, अगर वो रिग्रेट करे, अगर वो आपसे क्षमा मांगे तो उससे माफ कर देना। आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लग जाएंगे और आप अपनी पर्सनैलिटी को अच्छी तरह से डेवलप कर लोगे।